हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था थ्री डायमेंशनल के अंदर। आज हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, कि स्पेस के अंदर हमारे क्या होंगे, जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो किस तरह से हम डिनोट करेंगे, और जो उसके कोरस्पोंडिंग हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएंगे उनको हम कैसे डिनोट करेंगे। तो चलिए चलते हैं भाई। तो पोजीशन वेक्टर इन सॉरी प्लेन, प्लेन के अंदर हम देखेंगे भाई कोई प्लेन के अंदर जाएगा और उसके अंदर हम उसके क्या करेंगे, उसके पोजीशन वेक्टर देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले इसके दिखाने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। हम दो एक्सिस ले लेते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस मान लिया, एक वाई एक्सिस मान लिया, ये हमने पोजीशन मान लिया ओ पॉइंट। अब ये प्लेन हमने मान लिया एक्स वाई प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर हमें क्या दिखाना, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर दिखाने के लिए मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है वो आपका इस पी पॉइंट के ऊपर चला जाता है भाई। ठीक है, P पॉइंट के ऊपर चला गया तो O से लेकर जो P की डिस्टेंस होगी वो हमें क्या बताएगी, इसकी पोजीशन वेक्टर के बारे में बताएगी। और ये पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया, R मान लिया। ठीक है, अब ये पोजीशन वेक्टर हमने R मान लिया, अगर हम इसके अंदर यहाँ पर तो हमने दो कोऑर्डिनेट एज्यूम किए हैं, अगर हम यहाँ पर दो से ज्यादा क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं इसकी जगह आपका एक थर्ड कोऑर्डिनेट और एज्यूम कर लेते हैं, जैसे ये हमने क्या मान लिया, जेड कोऑर्डिनेट मान लिया, ये ओ पॉइंट। ठीक है, तो अब ये किसके अंदर जाएगा भाई, तीनों प्लेन के अंदर होगा, एक्स वाई और जेड प्लेन के अंदर। तो यहां पर देखो, अगर पी पॉइंट के हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया भाई आर, यानी ये इसकी पोजीशन को दिखा रहा है, और इसके पॉइंट हमने क्या मान लिए, एक्स वाई और जेड, ये हमने क्या मान लिया, इसके पोजीशन वेक्टर मान लिए, यानी जो आर वेक्टर हमने माना है उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्योंकि तो देखो आई जे के हमें किसके बारे में बताते हैं भाई, यूनिट वेक्टर के बारे में बता देते हैं, यानी कि हमें डायरेक्शन का पता लग जाता है। तो आर वेक्टर हमने मान लिया, तो ये तो हो गया इसका पोजीशन वेक्टर भाई। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम इस तरह से दिखा सकते हैं, अगर हमें यहां से इसके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आर का मैग्नीट्यूड, तो आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट करके जो आई जे और के कोऑर्डिनेट उनका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या जाता है, आर का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है। तो इस तरह से हम, यानी सीधी बात है, अगर किसी पॉइंट की लोकेशन आपने दिखानी हो और वो लोकेशन जिससे भी दिखाई जाए वही आपका क्या होगा, पोजिशन कोऑर्डिनेट आपका बोला जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो ये तो थे इसके पोजिशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर मान लेते ये पार्टिकल आपका P पॉइंट से मूव करके क्या पॉइंट के ऊपर चला जाता है, यहां पर ये इस क्या पॉइंट के ऊपर चला गया। ठीक है, और जब हमने इस क्या पॉइंट को ओरिजिन से देखा तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया भाई, R1 मान लिया। ठीक है, R1 मान लिया, तो अब इसके जो पॉइंट होंगे वो हम क्या मान लेते हैं, X1, Y1 और Z1, ये हमने इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट मान लिया भाई। तो क्या पॉइंट ये तो किसके थे, आर के, आर किसका पोजीशन वेक्टर था, पी पॉइंट का। अगर मैं आर वन के पोजीशन वेक्टर दिखाता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर किसके दिखा दिए, क्या पॉइंट के, जो हमने आर वन पोजीशन वेक्टर इसका एज्यूम किया है उसका। अगर यहां से मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम वही आएगा भाई, आर वन का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट ऑफ एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर, ये हमारे पास इसके पोजीशन है। हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया भाई। अब देखो, अगर मैं निकालता हूं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भाई, डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या आएगा, ये पी से मूव कर गया किसकी तरफ, क्या हो की तरफ, पी से मूव करके चला गया, यानी पी से यहां पर गया तो डिस्प्लेसमेंट आपकी कौन सी ज्यादा होगी, क्या वाली ज्यादा होगी, पी वाली क्या होगी, कम। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये बोल सकते हैं डेल्टा आर, चेंज इन पोजीशन किसके इक्वल हो जाएगा ये, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं आर वन वेक्टर माइनस आर वेक्टर, तभी तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी चेंज इन पोजीशन के अंदर। आर वन में से अगर मैं आर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई इसकी। ठीक है, अब देखो अगर R1 में से मार को सबट्रैक्ट करूंगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको X1 I plus Y1 J plus Z1 K minus X I
प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये लिख सकता हूँ मैं इसको, ऊपर करता हूँ मैं इसको, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें, इसको मतलब कर देता हूँ, ये दूसरे पोजिशन वेक्टर थे। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे निकालते हो इसमें से, तो देखो यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपके पास डेल्टा आर आया है, और हमने किसके कुल माना है, आर वन वेक्टर माइनस आर वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो भाई आई वाले कंपोनेंट को एक साथ कर लेते हैं, जे वाले को एक साथ और के वाले को एक साथ, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स वन माइनस एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस वाई वन माइनस वाई जे यूनिट वैक्टर प्लस जेड वन माइनस जेड के यूनिट वैक्टर। तो ये हमारे पास क्या जाता है, इसका पोजिशन कोऑर्डिनेट सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका निकल के आ जाता है कि किस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप निकालोगे। और अगर यहां से हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इसका क्या करेंगे भाई, डेल्टा आर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वेयर, तो अंडर रूट हम इस तरफ से कर सकते हैं भाई, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इनका क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा, तो एक्स वन माइनस एक्स इसका होल स्क्वेयर प्लस वाई वन माइनस वाई इसका होल स्क्वेयर प्लस जेड वन माइनस जेड इसका होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, मैग्नीट्यूड निकल के आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो डायरेक्ट जो भी, जैसे यहां पर ये थे आपके OP और O, क्या हुआ आपके क्या है, पोजिशन वेक्टर है, क्योंकि ये इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हम उसको शो करेंगे और उसकी वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, पोजिशन वेक्टर थे प्लेन के अंदर, ठीक है, प्लेन के अंदर बोल दो, या फिर अगर हमने तीन कोऑर्डिनेट लिए हैं तो हम इसको स्पेस के अंदर बोल देंगे। अगर आपने दो कोऑर्डिनेट लेते हो आप x और y तो आपका प्लेन आ जाएगा, तीनों कोऑर्डिनेट अगर हम लेते हैं तो किसके अंदर चला जाएगा, ये स्पेस के अंदर चला जाएगा आपका, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट आपके कहां पर बनते हैं, जब हम आपके सरफेस के ऊपर जाते हैं। तो ये था भाई हमारे पास, नेक्स्ट हम करते हैं भाई कि जो हम क्या कर रहे थे, रिजोल्यूशन कर रहे थे वेक्टर की, वेक्टर्स की रिजोल्यूशन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, जो वेक्टर रिजोल्यूशन है कहाँ पर हम यूज करते हैं, कैसे वो काम आता है, तो देखते हैं भाई कहाँ पर आपका यूज होगा वेक्टर रिजोल्यूशन। तो देखो भाई यहां से हमारे पास क्या किए हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन कि जो हमने वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा था कि वेक्टर को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते थे भाई, एक वेक्टर को सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज्यादा पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे तो वो रिजोल्यूशन हमारे काम पर यूज होता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल होता है, फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन आती है भाई वॉकिंग ऑफ ए मैन, वॉकिंग ऑफ ए मैन यानी जब कोई आदमी चलता है तो उसके अंदर आपका वेक्टर रिजोल्यूशन आता है। अब वो वेक्टर रिजोल्यूशन कैसे आता है उसका डायग्राम से हम देखते हैं। जैसे हमने मान लिया ये कोई ग्राउंड सरफेस यानी अर्थ का सरफेस है, ये हमने मान लिया सरफेस। अब इसके ऊपर कोई इंसान चलता है यानी मैं उसका पैर बना देता हूं भाई ऐसे, ठीक है, ऐसे ये पैर मैंने उसका बना दिया, लेकिन वो चलेगा तो आप कैसे चलोगे भाई, वो चलता है तो उसका जो पैर है वो इस तरह से रहता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ, तो ऐसे रहेगा भाई इस तरह से ऊपर उठा हुआ रहता है। तो यहां से क्या होगा, वो जमीन के ऊपर फोर्स लगाएगा, किस दिशा में, ऐसे इस दिशा में फोर्स लगाएगा तभी वो आगे चल पाएगा। जब आप चलते हो तो अपने पैर को फील करके देखना कि आपका जो फ्लो होता है, जो पंजा होता है ना भाई आपका पैर का, वो क्या करता है, एक एंगल बनाता है अर्थ के साथ, ठीक है, इस तरह से फोर्स लगाएगा तो अर्थ के सरफेस के साथ ही कितना एंगल बना देता है, थीटा एंगल बना देता है, ठीक है। तो ये उसने लगाया क्या भाई, फोर्स लगाया। अब देखो जब कोई चीज चलती है फोर्स इस तरफ से लगता है तो उसके लिए एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, आप आगे बढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है जिसको हम आर से दिखा देते हैं, ठीक है, आर से दिखाएंगे। तो देखो अब ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन इंसान चलता कैसे है उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा भाई, अल्टरनेट अपोजिट एंगल।
अब देखो ये फोर्स है, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है जमीन के ऊपर, इसकी जो रिजल्टेंट है या फिर वो क्या कर रहा है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो इसको आगे चलने के लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास जो आर है नॉर्मल रिएक्शन, हम इसको बोल देते हैं आर। हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन हम इसको बोल देते हैं। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर रिजोल्व कर देंगे। तो वेक्टर के अंदर रिजोल्व करेंगे तो देखो ये बीच में है ना भाई, 45 इस तरफ, 45 इस तरफ, तो 45 अगर एंगल बनाएंगे तो एक वेक्टर तो इस तरफ चला गया और दूसरा वेक्टर इस तरफ चला गया, यानी दोनों वेक्टर आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। तो देखो कंप्लीट इनके बीच में क्या बन गया, 90 डिग्री, 45 इस तरफ बन जाएगा, 45 इस तरफ। अब देखो यहां पर एंगल इसके साथ बन रहा है ना भाई, इस ओरिजिनल वाले के साथ, तो इसको हम ले देंगे आर कोस थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बच जाएगा भाई, आर साइन थीटा, ठीक है। तो आर वेक्टर को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर रिजोल्व कर दिया भाई, ठीक है। तो आर कोस थीटा, अब देखो इस आर की जगह क्या काम करेंगे, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, ये दोनों हमारा काम करेंगे। अब यहां से क्या हुआ, देखो आर साइन थीटा अपवर्ड है, लेकिन जो मैन होता आदमी होता उसका वेग होता वो कैसे एक्ट करता, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इसमें जो आर साइन थीटा है वो किसका काम करेगा भाई, बैलेंस द वेट ऑफ ए मैन, कि आदमी का जो वेट ना उसको बैलेंस करेगा कौन, आर कोस थीटा। अब देखो एफ को किसने बैलेंस कर लिया, आदमी, आर साइन थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया, आदमी के वेट को। बच्चा हमारे पास आर कोस थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए कौन है भैया, अपोजिट में कोई भी नहीं है, तो आर कोस थीटा किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ। तो आर कोस थीटा क्या करेगा, आर कोस थीटा करेगा हेल्प इन मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, हेल्प इन मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आगे जाने के लिए हमारा कौन हेल्प करेगा भाई, आर कोस थीटा में आगे चलने के लिए हेल्प करता है। आर साइन थीटा हमारा क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। अब जैसे देखो जब तक हमारा वेट बैलेंस नहीं होगा हम आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जैसे जब छोटा बच्चा होता है उसको अच्छी तरह से खड़े होकर चलना नहीं आता, तो क्या करता है भाई, आगे गिर जाता है, कभी पीछे गिर जाता है। लेकिन जब वो चलता है तो स्टार्टिंग में कैसे करता है, अपने हाथों को ऐसे आगे लेके चलता है, वो क्या कर रहा है, अपने वेट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक वो अपने बेस को वेट को बैलेंस नहीं करेगा, यानी उसका आर साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, तो इस वजह से उसको खड़े होने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे उसके ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो वो खड़ा भी हो जाता है और आगे भी चलने लगता है, ठीक है। तो चलने में बाकी वो मैं किसका एग्जाम्पल है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब हमारे पास क्या था भाई, अब एक किसी भी हमारे पास एक रोलर दिया जाता है, उसको हम पुश और पुल करते हैं, तो पुश करने में कितना फोर्स लगेगा और पुल करने में कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में देखते हैं भाई। तो इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है भाई पुश और पुल ऑफ ए रोलर, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक रोलर दे दिया जाता है, उसको हम एक बार पुश करेंगे, एक बार क्या करेंगे, पुल करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि फोर्स हम किस में ज्यादा लगाएंगे, यानी उसको हम रिजोल्व करेंगे कंपोनेंट के अंदर। तो देखो भाई उसके लिए पहले हम करते हैं पुल वाली एक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी पुल वाली एक्टिविटी देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या भाई, एक रोलर दिया हुआ है इस तरह से, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है हमारा सरफेस, ये हमने क्या माना, इसका सेंटर पॉइंट। अब देखो इसको हम पुल करेंगे, खींचेंगे, तो हमने एज्यूम कर लिया कि हम क्या बनाएंगे, जो हमारा ओरिजेंटल सरफेस उसके साथ हम थीटा एंगल बनाएंगे, थीटा एंगल बनाएंगे। तो देखो भाई अगर इस सरफेस को मैं इसके सेंटर पे देखता हूं, तो सेंटर पे इसका सरफेस ऐसा दिखाई देगा जो अर्थ का सरफेस है, ऐसे दिखाई देगा ना भाई। अब इसके साथ हम थीटा एंगल बना के इसको खींचेंगे, अब किसी चीज को हम ऐसे सीधा दूरी सीधा तो बहुत कम खींचा जाता है, या तो ऊपर की तरफ लेते हैं भैया, नीचे की तरफ खींचते हैं। तो देखो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया भाई ओरिजिनल के साथ इस डैश में F, इसको पुल करने के लिए हमने फोर्स लगाया, और यहां पर इस सरफेस के साथ क्या एंगल बना दिया भाई, थीटा एंगल इसका हमने बना दिया भाई। अब इसका थीटा एंगल हमने बना दिया। अब देखो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे,
तो जो इसका वेट होगा वो किस तरह से एक्ट करेगा भाई, यानी जो इस रोलर का वेट होगा वो इस पॉइंट से देखें तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा भाई, क्योंकि जो हमेशा वेट होता है आपका किसी भी बॉडी का वो हमेशा कैसे एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है। हम आदमी है, हमारा जो वेट है वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर हमारा वेट डाउनवर्ड एक्ट नहीं करेगा, अगर वो डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड एक्ट करने लग जाता है तो हम क्या करें भाई, अर्थ के सर्वे से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी वेट हमारा नीचे एक्ट नहीं करेगा, यानी ग्रेविटी हमें ऊपर की तरफ धकेलेगी। तो किसी भी बॉडी का जो वेट है वो हमेशा कैसा करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, वो कभी भी अपवर्ड एक्ट नहीं करेगा, कहीं पर भी आप देख लेना। तो वेट नीचे एक्ट कर गया भाई। अब देखो एफ हमारा उस तरफ जा रहा है, हम इसका वेट भी तो हमें बैलेंस करवाना है आगे चलने के लिए, तो वेट भी बैलेंस करवाना है और आगे चलने के लिए हमें फोर्स भी लगाना है। लेकिन वेट नीचे एक्ट कर रहा है और फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, कोई चीज खड़ी है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली फोर्स लगाएंगे तो वो चलेगी नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जो एफ फोर्स हमने लगाया है, इसको हम कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर देते हैं। अब देखो एफ यहाँ पर है तो इसका कंपोनेंट 90 डिग्री पे आएंगे, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, यानी ये जो एफ है बीच में आना चाहिए दोनों के ऊपर 90 45 एंगल से। तो एक कंपोनेंट तो मैंने इस साइड में बना दिया भाई, और दूसरा कंपोनेंट हम क्या बनाएंगे, इस साइड में बनाएंगे। अब देखो एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा का कंपोनेंट होगा, और इसके साथ कोई एंगल नहीं बना वर्टिकल में, तो ये आपका क्या होगा भाई, एफ साइन थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वेट वेट नीचे एक्ट कर रहा है, एफ साइन थीटा इसके इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहां से हमारे पास एफ साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है भाई, वेट को बैलेंस कर रहा है। और देखो एफ कोस थीटा के अपोजिट में कुछ भी नहीं है, तो एफ कोस थीटा क्या करेगा, मूविंग मूव फॉरवर्ड, यानी इसको क्या करेगा, फॉरवर्ड में मूव करने में हेल्प करेगा भाई, ठीक है। तो इस केस में अब देखो वेट को क्या कर दिया, एफ साइन थीटा ने बैलेंस कर लिया इक्वल एंड अपोजिट। तो जब हम किसी चीज को पुल करते हैं तो उसमें हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा कम फोर्स, क्योंकि उसका जो वेट होता है ना उसको बैलेंस करने वाला कंपोनेंट हमें मिल जाता है। तो इस वेट के इक्वल हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ हमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फोर्स लगाना है, हम उसको कितनी तेजी से खींचना चाहते हैं, पुल करना चाहते हैं कितनी स्पीड के साथ। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा इसको पुल करने में वो क्या लगेगा, लेस फोर्स लगेगा। अब आते हैं हमारे पास पुश वाली एक्टिविटी, इसको मैं यहां से थोड़ा सा अलग कर देता हूँ भाई, इस साइड में लिख देता हूँ ताकि मिल जाए मिल जाए। यानी एफ साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, यानी इफेक्टिव वेट होगा ना जो इसका वो क्या हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यहां से इफेक्टिव वेट निकालता हूँ, इफेक्टिव वेट, तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा भैया आपका, कि डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा आपका ये हो जाएगा ना, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, यानी इफेक्टिव वेट आपका ये आ जाएगा, यानी इसका जो वेट है ना वो हमें क्या हुआ, कम मिलेगा ना भाई, एक्चुअल वेट में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेट कम होगा, तो हमें फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा केस आता है इसका पुल वाला केस, अगर हम इसको क्या करते हैं भाई, सॉरी पुश करते हैं, यानी हम इसको क्या करेंगे, धकेलेंगे। तो ये हमने क्या बना लिया भाई, यहां पर अपना एक रोलर बना लेते हैं, यहां पर कर देता हूं मैं, ये हमने एक रोलर बना दिया, ये हमने क्या ले लिया, अर्थ का सरफेस, यहां पर इसका सेंट्रल पॉइंट ले लिया ओ। अब देखो अब इस हॉरिजॉन्टल के साथ ही क्या बनाएगा भाई, एंगल बनाएगा, तो ठीक है यहां से दिखाई दे जाएगा आपको अच्छे से। तो देखो यहां से क्या करेगा भाई, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को मैं इसी तरह से कहां पर मान लेते हैं, इसके सेंटर से मान लेते हैं भाई, सेंटर से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस आपका जा रहा है। अब जब मैं इसको पुश करूंगा तो ओरिजिन के साथ कुछ थीटा एंगल बना के इसके ऊपर जो फोर्स लगाऊंगा वो इस डायरेक्शन में लगाऊंगा भाई एफ, यानी इस तरह से जब हम किसी चीज को पुश करेंगे धकेलेंगे तो सरफेस के साथ थीटा एंगल बना के हम उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है। अब फिर वही बात, अब इसका जो वेट होगा वो क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा भाई, वेट डाउनवर्ड में जाएंगे, जो वेट होगा आपका वो हमेशा क्या करेगा, डाउनवर्ड में एक्ट करेगा। अब देखो फोर्स हमारा इस तरह से लग रहा है, अगर इस फोर्स को मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूँ, तो यहां से देखेंगे तो ये कंपोनेंट ये और ये कंपोनेंट ये, फिर से हमारा वही केस आ जाएगा। लेकिन अब की बार फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो इस फोर्स को मैं यहां पर दिखाऊंगा कि नीचे की तरफ ऐसे जाएगा वही, इसके ऊपर फोर्स ये जाएगा। अगर ये एंगल था तो हमारे पास और कौन सा एंगल हो जाएगा भाई, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा भाई, दोनों एंगल आपके पास, दोनों एंगल आ जाएंगे। अब इसके अंदर देखो हम इसको पुश कर रहे हैं,
तो इस डायग्राम को मैं ऐसे उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से उल्टा, तो यहाँ पर ये थीटा एंगल था, तो ये थीटा एंगल। अब ये हमारे पास क्या आएगा भाई, ये फोर्स आएगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स को मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा भाई। तो देखो ये फोर्स नहीं देखना है, ये तो हमने ऊपर दिखाया था, ऊपर लगाएंगे तो नीचे क्या आएगा, डाउनवर्ड में लगाया ना भाई, हम इसको धकेल रहे हैं तो फोर्स कैसा लगेगा, डाउनवर्ड में। तो अब देखो इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा इसको, तो 45 इस तरफ और 45 इस तरफ, ये बीच में आना चाहिए ना भाई, तो 45 का देखता हूं, तो एक तो हमने इस कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया भाई, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये हो गया, इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, एफ कोस थीटा हो गया, और इसके साथ थीटा नहीं बन रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट हो गया, एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो गया भाई। तो इसके अंदर देखो अगर मैं इसका इफेक्टिव वेट निकालता हूं इस केस में, इफेक्टिव वेट, तो देखो पहले वेट क्या था इसका, डब्ल्यू, डब्ल्यू वेट था, लेकिन एक्स जो साइन थीटा वो भी क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग गया ना भाई, तो वेट क्या हुआ, बढ़ेगा ना इस केस में, पहले इसका वेट डब्ल्यू था और ऊपर से एक्स साइन थीटा है, जो कुछ फोर्स में से जो टोटल फोर्स हमने एफ लगाया था उसमें से थोड़ा सा फोर्स और भी नीचे की तरफ लग गया, तो वेट बढ़ेगा इसका, तो इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस में एफ साइन थीटा। तो इस केस में इसका वेट क्या हुआ भाई, बढ़ गया, और इस केस में क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो ये बढ़ेगा, और देखो एफ जो कोस थीटा वो क्या करेगा, इसको आगे लेके जाएगा, तो एफ कोस थीटा हमें क्या करेगा भाई, हेल्प इन मूव फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में आगे चलने की क्या करेगा भाई, हमारी हेल्प करेगा ये भाई हमारे पास एफ कोस थीटा, तो हमें आगे भी चल पड़े। लेकिन इन दोनों केसेस को जब हम कंपेयर करते हैं तो कहां से देखें भाई, इस इफेक्टिव वेट को देखेंगे, यहां से इसमें इफेक्टिव वेट कितना रहा भाई, सबट्रैक्ट हो गए, और इसमें इफेक्टिव वेट क्या रहा है, ऐड हो गया ना हमारा, तो इसमें वेट ज्यादा है और इसमें वेट क्या रहा है, कम हो रहा है, इस केस में वेट कम हो रहा है और इस केस में आपका वेट है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो जब आपका वेट ज्यादा हुआ तो आपको आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी चीज को पुश करते हैं, हम उसको धकेलते हैं, तो उस केस में हमें ज्यादा फोर्स लगाना होता है, क्योंकि उस केस में जो इफेक्टिव वेट होता है वो किसी बॉडी का बढ़ जाता है। लेकिन वो कहां पर रखी होनी चाहिए भाई, अर्थ के सरफेस के ऊपर रखी होनी चाहिए वो चीज, ठीक है। और जब हम किसी चीज को पुल करते हैं अर्थ के सरफेस, यानी कुछ एंगल बना के, तो वहां पर हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो क्या लगाना पड़ेगा, लेस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम लिख देते हैं भाई, मोर फोर्स रिक्वायर्ड, मोर फोर्स रिक्वायर्ड, और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, लेस फोर्स रिक्वायर्ड, लेस फोर्स रिक्वायर्ड। तो अगर आपको कोई ऐसा काम करना पड़े घर के ऊपर, घर में अपने में, कि किसी चीज को आप धकेल के लेके जाना चाहते हो या फिर उसको खींच के लेके जाना चाहते हो, तो उसको पुल करने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन उसको धकेलने में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा भाई। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, कुछ ऐसी चीजें थी जो इसको बारे में मैंने आज आपको पढ़ाया है। तो ये आपका जो वेक्टर्स वाला पार्ट है वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें जो कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या दोबारा से उस टॉपिक को रिमाइंड कर सकते हैं वीडियो का लिंक ओपन करके आप। और आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।